प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ बीकॉम द्वितीय वर्ष के फर्स्ट पेपर ईएफएम ग्रुप के फर्स्ट पेपर मनी एंड बैंकिंग के तीसरे लेक्चर को लेकर। इसमें हम पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैसे, इससे पहले हमने पढ़ा मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के कार्य क्या हैं और भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा बाज़ार क्या है, इसके कंपोनेंट घटक क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है। तो इसकी परिभाषा है, बाय मनी सप्लाई वी मीन द टोटल स्टॉक ऑफ मॉनेटरी मीडिया ऑफ मीडियम सॉरी मीडिया नहीं है मीडियम ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल टू ए सोसाइटी फॉर यूज इन कनेक्शन विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मॉनेटरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, टर्म क्या यूज किए इसने, देखो मॉनेटरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस काम के लिए अवेलेबल टू ए सोसाइटी फॉर यूज इन कनेक्शन विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए जो मॉनेटरी यानी मौद्रिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो माध्यम उपलब्ध है उसी को हम क्या कहेंगे, और कितना उपलब्ध है द टोटल स्टॉक, क्या द टोटल स्टॉक, उसी को हम कहेंगे मनी सप्लाई। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इट इज इम्पोज्ड इन फॉर द टू एलिमेंट। मनी सप्लाई के दो मुख्य घटक होते हैं, एक तो होता है करेंसी विद पब्लिक, वो मुद्रा पैसा जो पब्लिक के पास में है जैसे आपके और मेरी जेब में जो पड़ा है वो। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक, यानी पब्लिक का वो पैसा है जो बैंकों में जमा किया हुआ है, हमारे पास नहीं है बट हमारे खाते में बैंक में जमा है, वो क्या कहलाएगा डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक। अब हम इसको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है मनी सप्लाई। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब इसको थोड़ा सा ढंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिफोर एक्सप्लेन दीज टू कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई टू थिंग्स मस्ट बी नोटेड विद रिगार्ड टू द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमें दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कौन सी, पहला मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल सम ऑफ मनी अवेलेबल टू द पब्लिक इन द इकोनॉमी एट द पॉइंट ऑफ टाइम। द मनी सप्लाई द स्टॉक कॉन्सेप्ट ऑफ द शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज फ्लो ऑफ रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो क्या है, एक समय विशेष पर मुद्रा कितनी है उस बात का ध्यान देना है। दूसरा है मनी सप्लाई ऑलवेज रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, जनता के पास कितना पैसा है। इन द टर्म ऑफ पब्लिक इंक्लूड हाउस होल्ड्स, घरेलू आदमी, फर्म, इंस्टीट्यूशन अदर देन बैंक एंड गवर्नमेंट। यानी इन दो कॉन्सेप्ट का ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि मुद्रा है क्या। तो मुद्रा से संबंधित ये लो, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें पढ़ेंगे, पहला पॉइंट था जो करेंसी विद पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जो मुद्रा है वो, उसको मनी सप्लाई के तौर पर कैसे पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू अराइव एट द टोटल करेंसी विद द पब्लिक इन इंडिया वी ऐड द फॉलोइंग आइटम। सबसे पहले करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन इशूड बाय द RBI, यानी वो मुद्रा करेंसी नोट्स यानी हार्ड कोर करेंसी नोट, वो जो सर्कुलेशन में हैं RBI के द्वारा। सर्कुलेशन का मतलब आपके मेरे पास हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं वो। दूसरा द नंबर ऑफ रुपी नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन, छोटे नोट और सिक्के जो सर्कुलेशन में हैं और स्मॉल कॉइन्स इन सर्कुलेशन, वो सारा कंटेंट, वो सारे बड़े नोट छोटे नोट सिक्के, वो सारे जो पब्लिक में सर्कुलेशन में है वो करेंसी विद पब्लिक कहलाता है। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक का मतलब है जनता का वो पैसा जो बैंकों में जमा है ऑन डिमांड, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। द अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई आर डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द बैंक, बैंकों के पास जो पब्लिक का पैसा जमा है उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये तो था एक बेसिक आधार मनी सप्लाई का, लेकिन RBI ने जो मनी सप्लाई की डेफिनेशन दी है, जो कंपोनेंट लिए हैं, उनको हम कुछ इस तरीके से मेजर करेंगे। फोर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दैट मनी परफॉर्म। फॉर एग्जांपल डिमांड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, करेंसी, ये सब चीज़ें मिलकर मनी का सप्लाई का हिस्सा बनता है। इसको यहाँ चार भागों में गया, M1, M2, M3, M4। पहला है M1,
तो M1 में किसको माना है? M1 में है, M1 को हम कहते हैं नैरो मनी, नैरो मनी, नैरो मनी मतलब सूक्ष्म। तो इसमें इसने M1 में ऐड किया है सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, यानी करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक और अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक विद RBI, यानी वो नगद जो पब्लिक के पास है, दूसरा वो पैसा जो बैंकों में जमा है और तीसरा वो पैसा जो RBI के पास जमा है, इन तीनों को मिला के इसने क्या कहा है? M1, M1 यानी नैरो मनी, मुद्रा का एक प्रकार। द सप्लाई ऑफ द मनी सप्लाई इज मोस्ट लिक्विड मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई इज द मनी इंक्लूड इन इट एट कैन बी इजीली यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दिस इज एज अ मीन ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर ट्रांजेक्शन, यानी ये मुद्रा का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा तरलता प्रदान करता है और पेमेंट में आसानी होती है। दूसरा है मनी सप्लाई यानी M2, M2 प्रकार की मनी कौन सी है? M2 इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, किसमें? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, क्या किया इसने? M1 में सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की जो डिपॉजिट है उसको भी जोड़ कर दिया, वो M2 कहलाई है। और M3 में कौन सी है? M1 में टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक। देखो गौर करके अंतर देखो आप, अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पे M1 के साथ में टाइम डिपॉजिट भी जोड़ दिया गया है। टाइम डिपॉजिट देखो, बैंक में एक डिमांड डिपॉजिट होता है, एक टाइम डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब हमारा वो पैसा जो सेविंग अकाउंट में पड़ा है, और टर्म डिपॉजिट का, टाइम डिपॉजिट का मतलब वो पैसा जो हमने फिक्स डिपॉजिट यानी FDR में डाला हुआ है। तो जब हम M1 में टाइम डिपॉजिट और जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? M3। इसे कहते हैं ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी मतलब विस्तृत, विस्तृत मुद्रा। और चौथा है इसका M4, M4 का मतलब है जब हम M3 में टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को जोड़ दें, यानी इसमें सारा डिपॉजिट आ गया, M1, M2, M3, उन सारों को मिलाओगे तो M4 बनेगा। तो ये जो है वो M4 मनी कहलाई थी। ये क्लासिफिकेशन जो है वो बैंकों का यानी RBI का दिया हुआ है मुद्रा की सप्लाई को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ हम आखिर में पढ़ेंगे मुद्रा पूर्ति को, चार्ट में समझेंगे। M1 कौन सी है? M1 वो है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, यानी C प्लस D प्लस DD। M2 क्या है? M1 में पोस्ट ऑफिस सेविंग और जोड़ दो, वो M2 बन गई। M3 क्या है? M3 वो है जिसमें M1 में हम टाइम डिपॉजिट जोड़ते हैं। देखो M1 और M2 का डिफरेंस देखो, M1 और M2 का डिफरेंस क्या है? यहाँ हमने पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जोड़ा है और यहाँ हमने टाइम डिपॉजिट जोड़ा है, दोनों ही M1 में जुड़ा है, ये भी M1 में, ये M1 में। यानी M2 क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, और M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, और M4 क्या है? M3 यानी टाइम डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस। ये यानी M4 में ये तीनों आ गए, M4 में ये तीनों आ गए, इसको कहते हैं M4, ठीक है। तो ये था मुद्रा का मनी, मुद्रा पूर्ति यानी मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में क्या होता है। तब तक आप जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको पढ़ें, वीडियो को सुनें, और जो कोई डाउट हो तो उसको पूछें, और अदरवाइज़ असाइनमेंट सबमिट करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।